सिंगरौली में अघोषित बिजली कटौती और केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने और बिजली कटौती किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया, साथ ही राज्यपाल के नाम कलेक्टर के प्रतिनिधि ऋषि पवार को ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल पेट्रोल के रेट कम हो रहे हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आम आदमियों के खिलाफ अनैतिक कार्य कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिले में अघोषित बिजली कटौती चल रही है, कभी कहीं भी बिना सूचना के बिजली काट दी जाती है, बिजली के बिल भी मनमाने आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो दुकानें बंद थी उनमें भी बढ़े हुए बिजली के बिल दिए गए हैं और उनकी शिकायतों को कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया जिसमें पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम और बिजली के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसके संबंध में सिर्फ हमने निर्देश दिया कि 5 लोग ही हमारे पास आएंगे ज्ञापन देने और हमने 5 लोगों से ज्ञापन दिया। पहले तो आप सभी मीडिया साथियों को प्रणाम करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, सिंगरौली वासियों को, सबको प्रणाम करता हूँ। क्या है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है और कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य था कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब विदेशों में डीजल पेट्रोल का रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन जिस दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार विदेशों में डीजल पेट्रोल का रेट गिरता जा रहा है और हमारे देश में लगातार रेट बढ़ाया जा रहा है। अभी ये कह दीजिए कि इन्वर्टर जो आदमी भूल गया था, बैटरी भूल गया था, आज इन्वर्टर युग आ गया, लालटेन युग आ गया। आप लोग मिट्टी का तेल और लालटेन वास्तव में अभी ढूंढने लगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो लालटेन दिखाया था, बल्कि एक लालटेन माफिया कह दीजिए उनको या लालटेन कार्यकर्ता कहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।